हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियोस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखना नया क्वेश्चन क्या है। कार्डियोड एच इज इक्वल टू 4a साइन 1/3 साई माइनस पाई बाई 2। ओके, के किसी बिंदु पर यदि वक्रता त्रिज्या रो हो तथा शीर्ष और बिंदु के चाप की लंबाई s हो तो सिद्ध करना है s स्क्वायर प्लस 9 रो स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए स्क्वायर। ओके बेटा, ध्यान से देखो, मेरे को दिया हुआ है s इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या रो दे रखी है, चाप की लंबाई s दी हुई है और ये वाला रिजल्ट मेरे को लाना है। ओके, हल कर रहा हूँ। मेरे को दिया है s इज इक्वल टू 4a साइन 1/3 साई माइनस पाई अपॉन 2। ओके, मैंने क्या किया, साई के सापेक्ष अवकलन करने पर मेरे पास जो रिजल्ट आया बेटा वो ये निकला, डी एस ओवर डी साई इज इक्वल टू डी ओवर डी साई 4a साइन 1/3 साई माइनस पाई अपॉन 2। ये हुआ इधर डी एस ओवर डी साई इज इक्वल टू 4a, कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, डी ओवर डी साई साइन 1/3 साई माइनस पाई अपॉन 2। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। मेरे पास है डी एस ओवर डी साई इज इक्वल टू 4a, तो ये निकला साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कितना होता है, वो होता है कॉस 1/3 साई माइनस पाई अपॉन 3, और जिसको मैंने एक्स मान रखा था चेन रूल श्रृंखला नियम से, उसका दोबारा डिफरेंशिएशन यानी डी ओवर डी साई, एक्स है मेरे पास 1/3 साई माइनस पाई अपॉन 2। ओके, यहाँ से मेरे पास निकला डी एस ओवर डी साई इज इक्वल टू 4a कॉस 1/3 साई माइनस, सॉरी दिस इज पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2। ओके, और जब मैं साई बाई 3 का डिफरेंशिएशन करूँगा ये निकलेगा मेरे पास 1/3, अगले वाले का डिफरेंशिएशन 0, यानी इसका गुना इसके साथ कर रहा हूँ, इधर निकला मेरे पास डी एस ओवर डी साई इज इक्वल टू 4a अपॉन 3 कॉस 1/3 साई माइनस पाई अपॉन 2। हम जानते हैं रो इज इक्वल टू होता है डी एस ओवर डी साई, सूत्र से मेरे पास रिजल्ट आ बेटा इस तरफ क्या बना, ये बना मेरे पास रो इज इक्वल टू 4a अपॉन 3 कॉस 1/3 साई माइनस पाई अपॉन 2, ये मान लिया मैंने समीकरण नंबर 2। ओके, आगे एक तरफ चलता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। मेरे को दिया है s इज इक्वल टू कितना दे रखा है भाई, 4a साइन 1/3 साई माइनस पाई अपॉन 2। सिद्ध करना है मेरे को
एच स्क्वायर प्लस नाइन रो स्क्वायर, यानी इसको समीकरण नंबर वन मान लिया और मैंने इसका वर्ग किया, एक का वर्ग करने पर इधर हुआ मेरे पास एस स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए साइन एक बटे तीन साई माइनस पाई अपॉन टू का वर्ग, यानी एस स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए का स्क्वायर सोलह ए स्क्वायर, अगले वाला निकला साइन स्क्वायर एक बटे तीन साई माइनस पाई अपॉन टू, ये मेरी समीकरण नंबर वन निकल गई। इसको मान लिया मैंने ए मान लिया, ओके आपकी सुविधा के लिए। अगले वाला मेरे को चाहिए है नाइन रो स्क्वायर। सबसे पहले मेरे पास देखता हूँ रो इज इक्वल टू कितना निकला है, रो इज इक्वल टू मेरे पास निकला बेटा फोर ए अपॉन थ्री कॉस एक बटे तीन साई माइनस पाई अपॉन टू, ये मेरे पास आ रखी है सेकंड समीकरण। ओके मैंने क्या किया, सेकंड समीकरण का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर इधर हुआ मेरे पास रो की पावर टू इज इक्वल टू फोर ए अपॉन थ्री कॉस एक बटे तीन साई माइनस पाई अपॉन टू का कंप्लीट स्क्वायर, यानी मेरे पास निकला रो स्क्वायर इज इक्वल टू सोलह ए स्क्वायर बटे ये कितना निकल गया नौ इंटू कॉस एक बटे तीन साई माइनस पाई अपॉन टू कोस का स्क्वायर, नौ का मैंने क्रॉस गुणा कर दिया मेरे पास निकला नौ रो स्क्वायर इज इक्वल टू सोलह ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक बटे तीन साई माइनस पाई अपॉन टू, इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर बी। ओके मैंने क्या किया एस स्क्वायर मेरे को क्या चाहिए है भाई, मेरे को चाहिए है एस स्क्वायर प्लस नाइन रो स्क्वायर। ओके एस स्क्वायर प्लस नाइन रो स्क्वायर का रिजल्ट सोलह ए स्क्वायर चाहिए, एस स्क्वायर की वैल्यू ये आ चुकी नाइन रो स्क्वायर मेरे पास ये आ चुका, एस स्क्वायर वाली समीकरण ए है नाइन रो स्क्वायर वाली समीकरण बी। ओके डायरेक्ट लिख रहा हूँ समीकरण ए तथा बी को जोड़ने पर ए प्लस बी, देखता हूँ क्या होता है, इस तरफ निकला मेरा एस स्क्वायर प्लस इस तरफ ये हुआ नाइन रो स्क्वायर, नाइन रो स्क्वायर इज इक्वल टू ये है मेरे पास सोलह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक बटे तीन साई माइनस पाई अपॉन टू प्लस सोलह ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक बटे तीन साई माइनस पाई अपॉन टू, क्लियर। आगे देख रहा हूँ बेटा मेरे पास निकला एस स्क्वायर प्लस नाइन रो स्क्वायर इज इक्वल टू सोलह ए स्क्वायर, सोलह ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया सोलह ए स्क्वायर कॉमन मेरे पास बना साइन स्क्वायर एक बटे तीन साई माइनस पाई अपॉन टू प्लस कोस स्क्वायर एक बटे तीन साई माइनस पाई अपॉन टू। ओके मेरे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज वन, इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ, एंगल देख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक बटे तीन साई माइनस पाई बाई टू कोस स्क्वायर एक बटे तीन साई माइनस पाई बाई टू, यानी ये वाला थीटा और ये वाला थीटा सेम अगर हो तो रिजल्ट आता है वन, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है अर्थात रिजल्ट कितना होगा वन। मेरे पास कितना निकला एस स्क्वायर प्लस नौ रो स्क्वायर इज इक्वल टू सोलह ए स्क्वायर। ओके और यही मेरे को सिद्ध करना था।
एच स्क्वायर प्लस नाइन रो स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए स्क्वायर, और यही मेरा रिजल्ट आ चुका। ओके, और ये हुआ मेरा आंसर। अगर आपको कोई डाउट है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डायरेक्टली कमेंट मी ऑन माई कमेंट बॉक्स, एंड एट लास्ट आई एम रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज। बाय।